हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मिशन कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको बताएंगे कि औसत चाल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए भाई, यदि इसमें एक कंडीशन होती है, यदि दूरी निश्चित हो, यदि दूरी निश्चित हो यानी जितना गए हो उतने आगे जाना है या उतने वापस आना है, अगर दूरी निश्चित हो तो याद रखिए आपका फार्मूला है 2 × S1 × S2 / S1 + S2। ठीक है, ये औसत चाल का है। औसत चाल वैसे होती क्या है? अच्छा, S1 इसमें क्या है? S1 ये स्पीड है, जाने की स्पीड या आने की स्पीड, ये भी स्पीड है। ठीक है, औसत चाल का मतलब ये है। ये मत समझना कि औसत चाल दो चालें दी गई, दो चालों को आधा कर देंगे तो औसत चाल निकल आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। औसत चाल अगर कभी निकालनी हो तो कुल दूरी बराबर कुल समय होता है, कुल समय। ठीक है, तो अगर ये फार्मूला ना याद आए कि भी इसी से प्रूव होके निकला है, अगर ये याद ना आए तो आपको पता है कुल दूरी ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है, और कुल समय पता होना चाहिए, बट्टे में कर दोगे तो औसत चाल निकल आएगी। देखिए भाई, इसका आंसर इसी का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत हो जाएगा। अगर मान लो दूरी फिक्स है, इसमें दूरी फिक्स है, शायद यदि एक व्यक्ति एक स्थान से ए और बी से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। ठीक है, 12 की स्पीड से गया, 18 की स्पीड से आया, दूरी फिक्स है ना। ठीक है भाई, 2 × 12 की स्पीड से गया, 18 की स्पीड से आया, दोनों का गुणा 12 + 18, बस सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पता है कि 2 × 12 × 18 / 30, 18 × 12 होता है 30। अब इसको आप काट सकते हो, 56 36 18, 12 × 2 = 24, 24 × 3 = 12, इसको गुणा करा लीजिए, 12 × 2 = 24, 24 × 3 = 72, और मैं 5 का भाग दे दीजिए तो 5 × 5, 5 × 20, 5 × 20, 5 × 20 14.4, या फिर ये भी कह सकते हो 14.4 का मतलब होता है 14 × 2/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव बट्टे में आंसर दे सकता है आपको। जैसे ये वाला देखिए आप, एक सवाल और, ताकि और क्लियरिटी आ जाए थोड़ा सा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान पी पे दूसरे स्थान क्यू से पर जाता है, पी पर गया 60 की स्पीड से, फिर पी से क्यू पर गया। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक स्थान पी से क्यू तक गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उसने अपनी गति को 50% बढ़ाकर क्यू से वापस आता है, 50% बढ़ा दी, पी से क्यू तक गया और क्यू से आया, एक बार गया है एक बार आया है, आपको मालूम है दूरी है फिक्स बिल्कुल। ठीक है, जाने की स्पीड क्या है? जाने की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस जब आया है तो बढ़ा दी उसने, 50% बढ़ा दी, 50% बढ़ा दी मतलब 30 बढ़ा दी ना, 50% बढ़ा दी मतलब 30 बढ़ा दी, तो कितनी हो गई? 90 हो गई आते समय पर, उसकी स्पीड आते समय पर क्या हो गई? 90 हो गई, 50% बढ़ा दी यानी 90 हो गई, 60 का 50% होता है 30, 30 बढ़ा दी 90 हो गई, तो 60 से गया 90 से वापस आया, औसत चाल बताओ। आपको पता है औसत चाल बराबर क्या होता है? 2 × पहले वाली स्पीड × दूसरी वाली स्पीड और फिर दोनों चालों का योग यानी 150। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करो, करने की कोशिश करो, 3 से काट लो, 3 × 2 = 6 = 63 = 15, 5 × 20 = 4 × 8 = 72, सीधा लिखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल रही होगी, 72 शायद डी ऑप्शन है, 72 क्या है? डी ऑप्शन है। नेक्स्ट एक और देख लो भाई, अखिल पहले 12 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 6 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से जा रहा है। भाई अब की दूरी फिक्स नहीं है, दूरी फिक्स नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पता है औसत चाल क्या होता है?
आपको मालूम होना चाहिए औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। इसमें आपको दूरी फिक्स नहीं है, 12 किलोमीटर गया है 16 की स्पीड से, ठीक है, दूरी दूरी पहले दी गई है 12 किलोमीटर गया है 16 की स्पीड से, तो समय आ जाना चाहिए। समय कितना आएगा, चढ़ते ही 12 चढ़ चुक 16, यानी 3/4 घंटे लग गए। समय कितना लगा, 3/4 घंटे, क्योंकि क्या होता है, दूरी बराबर चाल बटे चाल गुणे समय होता है। थोड़ा गलती हो गई, थोड़ा देख लो एक बार फिर से। ये 12 किलोमीटर 16 की स्पीड में जा रहा, तो समय कितना आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ऐसे लिखना है, ठीक है, चढ़ते 12 चढ़ते 16 इतने घंटे लगे। जब वापस आया है या फिर आगे गया, अगले 6 किलोमीटर जब गया है तब कितना समय लगा इसको, भाई 6 किलोमीटर गया 20 की स्पीड से, तो 6 किलोमीटर गया है 20 की स्पीड से, काट लो 2 × 3 = 6 = 10, यानी इतने घंटे लगे। अब ये बटे वाली समस्या हो रही है, आपको जोड़ने में थोड़ा समस्या आएगी, ठीक है। तो औसत चाल अगर ज्ञात करनी है तो आपको पता है औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। इसीलिए समय निकाला है, क्योंकि दूरी तो दी हुई थी, समय नहीं दिया हुआ था। दूरी पहले दी गई थी 12, दोबारा में 6 गया बंदा, समय पहले कितना लगा था 3/4 घंटे, और बाद में कितना लगा 3/10 घंटे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको कुछ नहीं करना है आपको, ये गुणा करा लो, अगर गुणा करा लोगे तो क्रॉस में गुणा हो जाएगा। ये तो हो गया कितना 12 × 6 = 18, और यहाँ पर 10 × 3 = 30 कर लो, क्रॉस में गुणा करा लो, और 3 × 12 कर लो, बटे में 40। अब ये 40 ऊपर चला जाता है, तो 18 × 40 बटे में 30 × 2 = 42 हो जाएगा, 30 × 12 = 42 हो जाएगा। 6 × 36 = 18, 6 × 7 = 42, 7 × 28 = 21। क्या कर रहा हूँ कैलकुलेशन यार, दिमाग हैंग कर जाता है। चढ़ते ही 12 हो रहा है, 40 का गुणा कराओगे तो चढ़ते ही 12 हो जाएगा, इतना आएगा। अगर कुछ और भी आएगा दशमलव स्थलों में तो देखो क्या हुआ होगा, फिलहाल ये आंसर होगा, ठीक है, 17/7, क्योंकि इस बटे में 7 इसी में है और किसी में है नहीं, तो जब काटोगे तो यही आ जाएगा, आप करके देख सकते हो आराम से। देखिए भाई, ये आपका नेक्स्ट सवाल है, y1 किलोमीटर की दूरी, इतने किलोमीटर की दूरी प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। इतने किलोमीटर की दूरी समय कुछ लगा रहा होगा, 5 घंटे में तय कर लेता है, चाल पता चल जाएगी, ठीक है। दूसरी बार बोल रहा है कि इतना घंटा लगा रहा है यही दूरी तय करने में, दूरी फिक्स है, औसत चाल निकल सकती है। आपको मालूम है कि चालों का खेल है, अगर चाल पता चल जाएगी तो हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए भाई, आप लोग इसको करिए और बताइए कमेंट में क्या आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं कल।